व्हाट्स अप गाइस, अब देखो इस एग्जांपल में आपको क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पे दो स्फीयर्स दिख रहे हैं, एक स्फीयर है जिसका रेडियस है आर, दूसरा है जिसका रेडियस है टू आर, पहले के ऊपर चार्ज रखा हुआ है क्यू, दूसरे के ऊपर रखा हुआ है थ्री क्यू। अब ये दोनों मेटेलिक स्फीयर्स है, तो ये दोनों क्या है, कंडक्टिंग स्फीयर्स और कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर्स है, अंदर का पूरा स्पेस क्या है, हॉलो है, तो ये दिया हुआ है यहाँ पे, इतना तो समझ में आया ना, ठीक है। आपको देख रहा होगा, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक क्या लगा है, एक वायर है और एक स्विच है, राइट। अब इस स्विच को मैं जैसे कनेक्ट करता हूँ तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, इन दोनों स्फीयर्स को क्या करता हूँ, वायर से शॉर्ट करता हूँ, राइट, शॉर्ट सर्किट। मतलब इन दोनों को सपोज मैंने शॉर्ट कर दिया, मतलब इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर दिया, जीरो, मतलब इन दोनों को मैं इक्वी पोटेंशियल कर दिया। अब ये मैं करने वाला हूँ, उसके पहले मुझे बताओ जो अपन ने पढ़ा हुआ है इसका इनिशियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इस स्विच को ओपन रख के, मतलब इस स्विच को अभी मैं कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ऐसा का ऐसा ही रखा हुआ है, इनिशियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे दिखेगा, ये चार्ज कितना है, क्यू है, तो मुझे बताओ ये क्यू है तो यहाँ पे कितना होगा, तो इनिशियल में इनिशियली यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, इधर क्यू है बराबर, पहले पे क्यू है तो अंदर यहाँ पे कितना होगा, माइनस क्यू, क्योंकि जितना फ्लक्स निकलेगा कोई तो लेने वाला होना चाहिए, तो क्यू माइनस क्यू, इसके ऊपर टोटल चार्ज है थ्री क्यू, तो बाहर कितना आएगा, फोर क्यू। चलो ये तो अपन ने पढ़ लिया हुआ है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको आता है, ठीक है। अब ये था मेरा इनिशियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इस चीज़ को ऑन कर रहा हूँ, मतलब स्विच को मैंने क्लोज कर दिया। अब जैसे ही मैंने स्विच को क्लोज कर दिया, बेसिकली क्या हो गया, ये शॉर्ट हो गया ना ऐसे। अब जैसे ही शॉर्ट होगा, ऐसा हो सकता है शायद कुछ क्यू चार्ज यहाँ से यहाँ पे चला जाए इसमें से। अब ऐसा हो सकता है कि इसमें से जो कोई चार्ज इधर से बाहर चला जाए। अब मुझे पूछा है कि भाई ये क्लोज करने के बाद चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालो। चलो कैसे करोगे, क्या बताया था मैंने भाई, जैसे ही मैंने शॉर्ट किया, लेट से ये जो स्फीयर है इसके ऊपर चार्ज बचा Q1, ठीक है, और बाहर वाले के ऊपर चार्ज बचा Q2। अब पहले तो दिमाग नहीं लगाना है, सारे अननोन्स ले लेते हैं, मतलब कितने चार्जेस अननोन ने देख लेते हैं भाई। लेट से इसके ऊपर चार्ज होगा Q1, क्योंकि मुझे पता नहीं कितना बाहर गया है ना, तो Q का मैं यहाँ पे Q1 ले लिया, ठीक है। अब ये Q1 होगा तो इसके अंदर कितना होगा, माइनस Q1, चलो ठीक है, वो भी लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे 3Q चार्ज बचेगा क्या, नहीं ना, यहाँ पे तो, यहाँ पे भी तो कुछ अलग ही चार्ज होगा, ये Q1 है माइनस Q1 है, यहाँ पे ले लेता हूँ Q2, ठीक है ना, यही तो लिख दूंगा मैं, और क्या करूँगा, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे Q1 हो गया, यहाँ पे माइनस Q1, यहाँ पे हो गया Q2। अब मुझे बताओ ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या सही है, अब मुझे बताओ ये Q1 है, ये माइनस Q1 है, Q2 है, राइट। मैंने आपको क्या बोला था, पहली चीज़ क्या लगानी है, चार्ज कंजर्वेशन, ठीक है, ये सारे अननोन्स ले लिए मैंने, ठीक है, ले लिए। अब पहली चीज़ मैं लगाऊंगा चार्ज कंजर्वेशन। अब चार्ज कंजर्वेशन सपोज मैं लगाता हूँ तो क्या आएगा, Q1 माइनस Q1 प्लस Q2, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, जो इनिशियल चार्ज था कितना था, वो 3Q प्लस Q, 4Q। लेकिन यहाँ पे देख लो भाई, Q1 माइनस Q1 कैंसिल हो रहा है और Q2 की वैल्यू सीधा 4Q आ रही है। अब जैसे Q2 की वैल्यू सीधा 4Q आती है, यहाँ पे देख लो Q2 की वैल्यू सीधा 4Q आई, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई बाहर पे चार्ज 4Q है, इसका मतलब ये Q जो है सब पूरा चार्ज बाहर है 4Q। तो आप देख सकते हो, अब इस इक्वेशन से ही देख लो कि भाई Q2 की वैल्यू, अब यहाँ पे आप देख सकते हो भाई Q2 की वैल्यू 4Q है, Q2 की वैल्यू 4Q है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, ठीक है, यहाँ पे टोटल चार्ज कितना था, Q एंड 3Q, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि भगवान तो चार्ज देगा नहीं, तो भाई होगा कितना, Q एंड Q प्लस 3Q, 4Q ही चार्ज होने वाला है, ठीक है। और सपोज यहाँ पे 4Q चार्ज आया, ठीक है, तो यहाँ पे Q1 एंड माइनस Q1, अब Q1 एंड माइनस Q1 कुछ भी हो सकता है, बराबर ना, तो तब क्या होगा, टोटल चार्ज कितना रहेगा, टोटल चार्ज 3Q। अब यहाँ पे आप देखोगे तो भाई Q1 एंड माइनस Q1 तो कुछ भी हो सकता है, राइट, Q1 एंड माइनस Q1 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो अपने को Q2 तो 4Q आ गया भाई। Q1 को निकालने के लिए मुझे इक्वेशन, अब जैसे मैंने यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे एक इक्वेशन तो ये था, अब यहाँ पे मैंने जैसे बोला है कि एक इक्वेशन तो ये था जिसमें Q2 की वैल्यू निकल गई 4Q, लेकिन कितने अननोन्स है यहाँ पे, Q1 एंड Q2 है ना,
दो अननोन है, तो भाई पहला तो हो गया चार्ज कंजर्वेशन से, दूसरा क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस जीरो करके। अब यहाँ पे मुझे बताओ इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा V1, इस पॉइंट पे होगा V2 आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, ठीक है। तो मुझे बताओ V1 की वैल्यू कितनी होगी, V1 की वैल्यू कितनी होगी, V1 की वैल्यू होगी इस Q1 की वजह से कितनी होती है, के क्यू वन डिवाइड बाय आर, ठीक है। अब इस पॉइंट पे माइनस क्यू वन की वजह से वैल्यू कितनी होगी, माइनस के क्यू वन डिवाइड बाय कितना, ये डिस्टेंस ना टू आर, क्योंकि ये माइनस क्यू वन वाला स्फीयर के अंदर ये पॉइंट है, तो माइनस के क्यू वन डिवाइड बाय इसका रेडियस टू आर। सिमिलरली क्यू टू की वजह से कितनी होगी, के क्यू टू डिवाइड बाय कितना, टू आर, ठीक है। मैंने लिख दिया, ये होगी मेरी वी वन की वैल्यू। वी टू की वैल्यू कितनी होगी, अब V2 की वैल्यू होगी इस पॉइंट पे Q1 की वजह से कितना होगा, K Q1 डिवाइड बाय टोटल रेडियस 2R। अब ये पोटेंशियल्स निकालने को आपको आना चाहिए, अब नहीं आ रहा है पोटेंशियल्स निकालने, तो जाके पोटेंशियल्स का लेक्चर देख लो, ठीक है। माइनस Q1 की वजह से कितना आएगा, माइनस K Q1 बाय 2R, बराबर ना, और इसकी वजह से आएगा K Q2 डिवाइड बाय कितना, 2R, बस ये कर दिया मैंने। अब यहाँ पे देखो ये और ये तो कैंसिल हो गया, तो V1 V2 की तो वैल्यू आई। अब V1 एंड V2 दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए ना, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, V1 इज इक्वल टू क्या करूँगा, V2 करूँगा, ठीक है। जब V1 इज इक्वल टू मैं V2 करता हूँ तो यहाँ पे क्या आता है, अब इन दोनों को जब मैं इक्वेट करता हूँ तो ये और ये टर्म भी कैंसिल होने वाला है, बचेगा क्या, सिर्फ ये वाला टर्म, और इसकी वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को जब मैं इक्वल करता हूँ तो मुझे मिलेगा इसकी वैल्यू कितनी होगी, के क्यू वन डिवाइड बाई टू आर प्लस के क्यू टू बाई टू आर, ये हो गया वी वन, और वी टू हो गया के क्यू टू बाई टू आर। अब ये और ये भी कैंसिल हो गया, तो बेसिकली के क्यू वन बाई टू आर की वैल्यू कितनी आई, जीरो। अब के जीरो नहीं हो सकता, आर भी नहीं जीरो हो सकता, तो क्यू वन की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। भाई मेरा सेकेंड इक्वेशन तो क्या दे रहा है, क्यू वन की वैल्यू जीरो दे रहा है, इसका मतलब मेरी क्यू वन की वैल्यू जीरो है तो माइनस क्यू वन भी जीरो है, और क्यू टू की वैल्यू है फोर क्यू। अब ये हो गया मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड। भाई मतलब देखो चार्ज क्या हो गया, मतलब एक क्यू चार्ज पूरा का पूरा बाहर आ गया, बाहर के स्फीयर पे आ गया, यही तो हो गया ना यहाँ पे। मतलब दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होंगे, उनको मैंने सपोज कनेक्ट कर दिया वायर से, तो अंदर का चार्ज बाहर चला गया, यही तो हुआ। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, सिर्फ दो ही चीज़ें की, एक तो मैंने क्या किया चार्ज कंजर्वेशन किया, एंड दोनों के पोटेंशियल्स को इक्वल किया, ये दो चीज़ें की मैंने। क्या मैं इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट वे में कर सकता हूँ, जरा सोचो शॉर्टकट वे में हो सकता है कि नहीं। अब आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठे हो, आपके पास टाइम कम है, तो कभी भी ध्यान में रखना है आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो शॉर्टकट्स पॉसिबल है, लेकिन शॉर्टकट्स को बेसिकली समझने के लिए या चमकाने के लिए, मतलब ऊपर लाने के लिए, आपको कंसेप्ट को अच्छे से जानना जरूरी होता है। देखो जिस वक्त मैंने बोला था कि इन दोनों का पोटेंशियल को मैंने सेम कर दिया, मतलब इन दोनों के अंदर कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। अब मुझे बताओ पोटेंशियल डिफरेंस आता क्यों है, जो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी होता है वो क्यों आता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डी आर बार ना, याद होगा आपको, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या, डेल्टा वी भी जीरो होगा ना। अब यहाँ पे सपोज पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, मतलब इसके अंदर इन सब पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, जीरो है। भाई आप देखोगे, आप गॉस लॉ लगाओगे, कोई भी ऐसा गॉसियन सरफेस बनाओगे, तो इसके अंदर सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसके मतलब इसके अंदर चार्ज इनक्लोज भी कितना है, जीरो है, तो डायरेक्टली चार्ज इनक्लोज जीरो लिख दो ना। अब सपोज Q1 की वैल्यू जीरो हो गई तो यहाँ पे भी तो जीरो होगा, इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज कंजर्वेशन के हिसाब से टोटल चार्ज था 4Q, अब वो पूरा का पूरा 4Q कहाँ पे जाना चाहिए, बाहर के स्फीयर पे। तो मैंने बिना कुछ कैलकुलेशन किए हुए डायरेक्टली आंसर निकाल दिया, किससे निकाला मैंने, मैंने बोला यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होगा, बाय गॉस लॉ इसके अंदर का चार्ज इनक्लोज भी जीरो होना चाहिए, तो Q1 क्या होगा, जीरो होगा। ये मेरा शॉर्टकट वे था, लेकिन ये शॉर्टकट वे चमकने के लिए मैंने आपको क्या बोला था, आपके कंसेप्ट बहुत ही क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा।
अब इसी टाइप के कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग बाद में भी करने वाले, तो आपका एक कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा।